हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट 09M में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का कल के दिन किस तरीके का ट्रेड रहेगा और कहाँ पे एनालिसिस हो सकता है और कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सारा डिटेल देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि कल के वीडियो में मैंने क्या बोला था। कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था दोस्तों, ये है आपका, आप देख सकते हैं कि कल से कल का वीडियो, ठीक है। कल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, ये जगह पे आप क्लोज आप देख सकते हैं कल के दिन। मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर निकाल देता है और इस लाइन, ये दोनों मैं मार्क किया था। क्यों किया था? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था थोड़ा देर, तो ये हाई मार्क किया था और ये लाइन मार्क किया था। मैंने बोला था कि अगर मार्केट खुलने के बाद इस लाइन में थोड़ा देर सपोर्ट ले, यानी कि यहाँ पे मार्केट अगर रुकता है तभी आपको कॉल लेना है। आप लोग को कितना समझा रहे हैं दोस्तों, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग फिर भी लॉस कर रहे हैं मार्केट में और मैसेज कर रहे हैं कि सर लॉस हो गया। कैसे लॉस हो सकता है दोस्तों? आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि रेड कैंडल बना, रेड के बाद डायरेक्ट रेड रेड रेड, तब भी आप यहाँ पे कॉल कैसे ले सकते हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। मैंने बोला था सस्टेन करना चाहिए, तो सस्टेन कहाँ बना? लोअर लो बनाया दोस्तों। देखिए इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग, इस तरीके से आपको क्लोजिंग मिलते गया निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तब भी आप यहाँ पे कॉल लेकर के फंसे हुए हैं। अजीब बात है दोस्तों ये तो, क्योंकि मैंने बोला था कि इस रेंज में मार्केट को रुकना चाहिए यहाँ पे, तभी कॉल लेना है ऊपर निकलने पर। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, अब फिर से एनालिसिस करेंगे हम लोग कल के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट जो यहाँ पे पुट में पैसा दिया, ठीक है, फर्स्ट कुछ टाइम तक दिया, ठीक है, इस जोन में, उसके बाद मार्केट किसी को प्रॉफिट नहीं होने दिया उतना खास। अगर आप देख सकते हैं तो ये मार्केट एक तरह से इस बॉक्स में है, फंस के रह गया और यहाँ पर साइड जोन रह गया। ओवरऑल देख सकते हैं ना ही नीचे जाने दिया मार्केट और ना ही इस लाइन से ऊपर मार्केट जाने दिया प्रीमियम को। तो प्रीमियम ओवरऑल इस लाइन से लेकर के और इस लाइन के बीच में फंस गया और प्रीमियम जो है बढ़ा नहीं, ना ही कॉल का ना ही पुट का। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ पुट में स्टार्टिंग में हुआ, उसके बाद प्रीमियम उतना खास दिया नहीं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कल के दिन की जो है वो बैंक निफ्टी किस तरीके का काम काज कर सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, हमारा जो लाइन है कोई चेंजेस नहीं है लाइन में, ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है एज इट इज वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो हाई है हमारा वही हाई आज का भी है, एक तरह से मान सकते हैं थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यही हाई ले सकते हैं जो कि है 47,230। अगर मार्केट इस जोन से इस जोन में, फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर मार्केट यहां से चलने के बाद नीचे आता है, यानी कि आप देख सकते हैं एक जोन टू और थ्री और यहाँ पे फोर, चार बार मार्केट इस लाइन को टच किया है और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है दोस्तों, इस लेवल से नीचे, तो फास्ट मूव आएगा और पुट में जो है आपका बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है, ठीक है। जिस दिन भी इस लाइन के नीचे गिरे वहां से बहुत फास्ट गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि गैप है, इसको भी फिल कर देगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट जो है आसानी से आ सकता है, जो कि है 46,280, ठीक है। यहाँ तक फॉल तो आपका आएगा, यानी कि फर्स्ट टारगेट तो हमारे यहाँ पर हिट हो जाएगा पुट में, जिस दिन भी गिरेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि कल ही आए, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है कल के दिन, तो आप यहाँ तक पहला टारगेट ले सकते हैं और दूसरा टारगेट थोड़ा बड़ा निकल के आ रहा है, जो कि आ रहा है 45,840, ठीक है। ये दो टारगेट के हम लोग पुट में कामकाज कर सकते हैं अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके और यहाँ से मार्केट गिरता है तो। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए नीचे की तरफ, यानी कि इस लाइन से नीचे और आज का क्लोजिंग से भी नीचे, तो अगर मार्केट रहता है तभी हम लोग पुट लेंगे और यहाँ से आराम से हम लोग को दो टारगेट जो आपको बोले वो अचीव करते हुए आपको मिल सकता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर गैप डाउन होगा तो क्या करना है। अगर कल गैप डाउन होता है किसी भी रीजन से यहाँ पे और फर्स्ट कैंडल जो रेड बनेगा अगर, तब भी आप यहाँ पे पुट में कामकाज कर सकते हैं सिंपली, कोई लॉजिक ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। क्योंकि गैप डाउन होगा अगर, तो ये गैप भी फिल करने के लिए मार्केट आएगा और वो ये टारगेट तो आसानी से आपको देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट तक भी आ सकते हैं। चलिए अब कॉल की तरफ देख लेते हैं ओवरऑल, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन में है, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बताने का कोई जरूरत है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इस लाइन से लेकर और इस लाइन तक बहुत समय बिताने का कोशिश कर रहा है। यहाँ से आप देखिए बिताया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग, फिर आज भी ऊपर ओपन हुआ लेकिन वापस से इसी जोन में आते हुए आपको दिखा और यहाँ पे आपको क्लोजिंग किया। तो अगर ऊपर की लेवल, ऊपर का जो लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये लेवल निकल के आ रहा है जो कि है अब 47,100। अगर अब यहाँ से मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 47,100 के ऊपर निकल जाता है तो काफी ऊपर जा सकता है और नया हाई फिर से बना सकता है, जो कि है 48,000 या 48,200 तक भी मार्केट जा सकता है। अगर आज का देखें हाई तो कितना है, आज का हाई देखेंगे दोस्तों तो 47,250 है। तो अगर आने वाला
समय में दोस्तों 48,000 तक का टारगेट मार्केट रख रहा है और हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कल का जो टारगेट हमारा रहेगा 47,500 तक का रहेगा। अगर मार्केट यहां से निकाल देता है ये दोनों हाई को, इस लेवल को और इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करता है तो 47,500 का हमारा टारगेट रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो वेल एंड गुड रहेगा, बढ़िया बात रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन गैप अप हो जाता है, लेकिन इतना गैप अप नहीं होना चाहिए कि ये जो हाई है इसके ऊपर यहाँ पर वो गैप अप हो, तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। लेकिन अगर हाई के ये जो हाई लगा हुआ है इसके नीचे यानी कि इस लेवल पे अगर गैप अप होता है तब हम लोग यहाँ से कॉल ले सकते हैं और जो हमारा टारगेट रहेगा 47,500 तक का टारगेट रहेगा, इसको आसानी से अचीव करते हुए भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में नजर बना के रखिएगा। तो ये ओवरऑल व्यू है और हम लोग नो ट्रेड जोन रखेंगे, ये जो कि ये आपका जोन दिख रहा है ना दोस्तों, ये नो ट्रेड जोन रखेंगे हम लोग कल के दिन, क्योंकि यहाँ ओवरऑल क्या होगा दोस्तों कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होना नहीं है। 20-30 पॉइंट के लिए मार्केट में आप प्रेशर अपना जो है बढ़ा के रखिएगा और कुछ होने नहीं जा रहा है, जब तक अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करे नीचे की तरफ और इस लेवल को ऊपर की तरफ नहीं करे तभी आप एंट्री करिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि मार्केट आपको कल लालच दे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस जगह पे तुरंत बाउंस बैक ले, फिर यहाँ जाने के बाद तुरंत नीचे आए, तो इस जोन में नहीं फंसना है। याद रखिएगा दोस्तों मार्केट जो है ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए कुछ समय, उसके बाद ही आप यहाँ पे पुट लीजिएगा। यहाँ से ब्रेक करने के बाद इस जोन में मार्केट फंसना चाहिए तभी यहाँ पे आप कॉल लीजिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और सारा एनालिसिस सही जा रहा है दोस्तों तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।